हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो में, जहां हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप एक टाटा स्काई यूजर हैं तो क्या चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए और किस तरह ये एप्लीकेशन, टाटा स्काई का एप्लीकेशन मतलब, कि आपको वो आपको मदद करेगा आपके लाइफस्टाइल और मतलब जो फीचर है उसके उसे एनहांस करने में आपको ये किस तरह मदद करता है, ये आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना होता है उतना प्यार आप देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम इस चैनल पर ये बताते हैं कि लाइफस्टाइल से जुड़ी वो बातें जो आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कि टाटा स्काई एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है तो किस तरह आप यूज़ करके इसे और अपने टाटा स्काई की जो फीचर्स हैं उसे कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कैसे इसे आप मदद ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर टाटा स्काई एप्लीकेशन आपने यूज़ नहीं किया तो इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो प्ले स्टोर पर जाना है, माई टाटा स्काई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको माई टाटा स्काई का एप्लीकेशन क्लिक करना है, उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करना आपको बहुत ही आसान है। डाउनलोड करने के बाद इसे सिंपली ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद जो यूज़र इंटरफेस आएगा कुछ इस तरह आएगा। आप देख रहे हैं सामने में ये यूज़र इंटरफेस है टाटा स्काई का। सिंपली यहाँ पे जो फीचर्स होते हैं, जो जो अलग अलग फीचर होते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा रहा है कि अलग अलग है। आप न्यूज़ सुनना चाहते हैं, आप मूवीज़ देखना चाहते हैं, सारे फीचर्स हैं, बच्चों के लिए सब कुछ है। तो ये तो ऑलरेडी जो होम स्क्रीन पे जो फीचर्स हैं, आपको रिचार्ज करना, अलग अलग ऑफर्स क्या चल रहे हैं रिचार्ज पे, तो वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऑफर्स चल रहे हैं। तो आप यहाँ से भी सिंपली देख सकते हैं खुद से भी अगर आप समझदार हैं। नहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करूँगा, या इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके भी टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये टोटल जो आपको देख रहे हैं वो टोटली होम स्क्रीन का ये फीचर्स है, और इसके अंदर बहुत सारे सेटिंग्स हैं, चैनल कैसे ऐड करते हैं, आपको क्या क्या जानना चाहिए वो मैं एक एक करके आपको बताते चलूँगा। तो मैं पहले आपको होम स्क्रीन का थोड़ा लेआउट दिखा देता हूँ कि हाँ ये किस तरह ये होम स्क्रीन काम करता है, ये होम स्क्रीन पे क्या क्या है फीचर्स हैं ऐड होते हैं, वो एक एक करके आप देख लीजिए। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया आपने या लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरह लॉगिन करा या रजिस्ट्रेशन कर, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको रजिस्ट्रेशन करने नहीं आता या लॉगिन नहीं हो करने पा रहे, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। और प्लीज़ मुझे आप बताइएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, ये होम स्क्रीन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आप जैसे माई बॉक्स, ठीक है, लाइव टीवी है, तो लाइव टीवी का मतलब है कि मतलब आप जो चैनल ऑलरेडी आपने जो चैनल है टीवी के जो उस पर एक्टिवेटेड है, तो लाइव चैनल आप यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हैं, क्योंकि यानी आपको उसके लिए पे करना होता है। लाइव चैनलों के लिए विसलिट है, डाउनलोड है, यानी आप पहले से डाउनलोड करके भी इसमें रख सकते हैं। तो सब चार्जेबल है, अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ लोग चीज़ें फ्री भी होती हैं, कुछ चीज़ें चार्ज भी होती हैं। माई बॉक्स का मतलब है कौन कौन से चैनल जो अभी एक्टिवेटेड हैं आप पे, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट की मदद से आप कर सकते हैं। पेयरिंग में होता है कि पेयरिंग में आप एक से ज़्यादा डिवाइस पेयर कर सकते हैं, तो ये एक फीचर है। मतलब पेयरिंग में जो आजकल स्मार्ट टीवी आए तो उसके साथ आप पेयरिंग कर सकते हैं, या कोई स्मार्टफोन उसके साथ पेयर कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा फीचर है। सर्च ऑप्शन की मदद से आप कोई भी चैनल सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सेट लिख रहा हूँ, सेट के सारे जो चैनल से जो सोनी होता है, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन सेट को बोलते हैं, तो वो सोनी से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई। अब हम चलते हैं आपको अपने अकाउंट की तरफ। ये मेरा अकाउंट आशीष कुमार, यहाँ पे आपको बैलेंस दिख रहा होगा, कौन सी एक्सपायरी डेट है वो सब लिख रहा होगा। उसके बाद रिचार्ज का ऑप्शन, यानी आप इसी एप्लीकेशन के थ्रू अगर टाटा स्काई रिचार्ज करना चाहते हैं डेबिट कार्ड के इंटरनेट बैंकिंग के मदद से, तो आप यहीं से आप रिचार्ज कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी वक्त आप रिचार्ज कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट की मदद से आप रिचार्ज कर सकते हैं। ये लेआउट है आपको। इसके बाद माई टाटा स्काई के अंदर रिचार्ज ऑप्शन, मैनेज पैक है, बॉक्स अपग्रेड है, मल्टी टीवी है, तो डिफरेंट है। आप माई टाटा स्काई के अंदर लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया रिचार्ज का ऑप्शन, यहाँ पे सिंपली आपका ऑलरेडी जो सेटअप बॉक्स है का आईडी रहेगा, और आराम से उसमें आप अमाउंट डालिए और रिचार्ज कीजिए। सिंपली रिचार्ज उठाओ और उसके बाद डेबिट कार्ड से ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जिस मीडियम से या थ्रू आप रिचार्ज करना चाहते हैं। मैनेज पैक के में आप देख सकते हैं, आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, मैनेज पैक में सबसे ऊपर जो सब्सक्राइबर आईडी होता है, जो बॉक्स का जो मंथली सब्सक्रिप्शन 155 का वो चलता है, कौन कौन से चैनल एक्टिवेटेड है वो दिखा रहा है, ठीक है। महीना कितना का लगता है वो 156 का मेरा महीना लगता है, क्योंकि घर में कोई ज़्यादा लोग देखने वाले नहीं है तो महीना बहुत कम है, ठीक है। और मॉडिफाई करने में, आप सिंपली मॉडिफाई करने के लिए आप मॉडिफाई पे जाइएगा, करंट पैक है तो करंट पैक तो आप देख रहे हैं। माई टाटा स्काई पैक, यानी रिकमेंडेशन होती है टाटा स्काई की तरफ से कि इस पैक के अंदर डिफरेंट देखिए, यहाँ पे अलग अलग अमाउंट से पैक रिकमेंडेड किया। उसके बगल में एक आई बटन होगा, उस पर क्लिक कर, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको उस से रिगार्डिंग जितने भी चैनल वो सारे अपीयर हो जाएंगे। मैं आगे ऊपर करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो अपीयर होता है, मैं उस पर क्लिक करके आपको बताऊंगा। मान लीजिए कोई मैंने एक सेलेक्ट किया,
ठीक है। जैसे सेलेक्ट किया तो उससे जो फैमिली किड है तो उसके अंदर कौन कौन से चैनल है वो आपको, कौन कौन से चैनल आपको इतने रुपए देने पे मिलते हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार जितना चाहे उतनी बार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चार्जेबल नहीं है। चाहे आप कोई चैनल ऐड कर सकते हैं या चैनल रिमूव कर सकते हैं, मैं आपको चैनल ऐड भी करके दिखाऊंगा और फिर साथ ही साथ आपको चैनल रिमूव। सबसे अच्छा होता है कि आप पार्टिकुलर चैनल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चैनल्स ऑप्शन में जाइएगा, पार्टिकुलर चैनल यानी एक एक करके भी चैनल आप ऐड कर सकते हैं, जो चैनल देखते हैं उसी चैनल के आप पैसे दें। तो ये बहुत अच्छी फीचर है और समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, नीचे धीरे धीरे आपके ग्रेडेशन आता है। जैसे यहाँ 10 का एक चैनल मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ, सोनी 10-2 ऐड करके दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, सिंपली कोई भी चैनल ऑप्शन पे जाइए, चैनल सर्च कीजिए, जो चैनल आपको ऐड करना है वैसे ही आपको उस पर चेकबॉक्स पर टिक आउट करके सेलेक्ट एंड प्रोसीड पे कर दीजिए। जैसे सेलेक्ट टू प्रोसीड कीजिए, यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा अमाउंट जो ग्रैंड टोटल वो बढ़ चुका है और यहाँ पे नीचे में आपको दिख जाएगा वो जो चैनल मैंने ऐड किया है, दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे चैनल आपको दिख रहा है सोनी 10-2 17.07 रुपये का है। अब यहीं से मान लीजिए कोई चैनल ऐड है उसको आप नहीं देखते हैं तो उसको यहाँ से भी सिंपली क्रॉस बटन पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 10 स्पॉट सेलेक्ट कर लिया, अब इसको रिमूव करना है, उस पर क्लिक कर दिया वो हट गया और कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक वो प्रोसेस ले लेगा। 10 सेकेंड लगते हैं, उससे भी कम लगता है, वो तो खाली ऑप्शन है कि यहाँ स्क्रीन पे 10 सेकेंड शो होता है। बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, बहुत अच्छा जो सर्विस है टाटा स्काई का। मैं 10-11 साल से टाटा स्काई का यूज़र हूँ और बहुत अच्छा काम करता है टाटा स्काई, कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्विस भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये सिंपली लेआउट था, काम हो गया वहाँ पे। यानी ये चैनल से रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेरीज थे वो सारे सॉल्व इसी जगह मॉडिफाइड पैक में सारे कुछ हो जाएंगे। अगर इसके अलावा और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, प्लीज़। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे सेटअप बॉक्स का जो डिटेल होता है, अलग अलग आपके सेटअप बॉक्स का क्या नंबर, आईडी क्या है, ऑर्डर स्टेटस क्या है, आप ट्रांजेक्शन कौन कौन से कितने किस महीने में किए हैं, डिवाइस डिटेल क्या है, एडिट अकाउंट है, तो जो भी जितने फीचर हैं सब में कुछ ना कुछ डिटेलिंग होती है। यानी एडिट अकाउंट में या माई अकाउंट में आपके सारे डिटेल होते हैं, जैसे मेरा अभी जैसे बॉक्स कौन सा है, कार्ड नंबर कौन सा है, बॉक्स नंबर आईडी कौन सा है, तो सब कुछ आप यहीं से इसी एक एप्लीकेशन के मदद से सारे कुछ ट्रैक कर सकते हैं। तो ये कूल एक फीचर है, ठीक है। यहाँ एडिट अकाउंट है, यहाँ पे सबसे ऊपर नाम है, तो एडिट अकाउंट में सबसे क्या है, एडिट अगर आप करते हैं तो आप सिर्फ ईमेल आईडी और फोन नंबर ही चेंज कर सकते हैं, एड्रेस और नाम बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते। अगर आपको इसमें एडिट करवाना है यानी रिलोकेट करना होगा, यानी रिलोकेशन के लिए आपको रिक्वेस्ट डालना होगा कस्टमर केयर को कॉल के, तभी आप एड्रेस या नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसको सेव कर देना, बस ये बेसिक जो डिटेल्स हैं आपको जो जाननी चाहिए थी वो मैंने आपको बताई, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जितना हो सकता है मैं आपको हेल्प करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपको बताना जो मैं जानता हूँ, तो होप सो वो आपकी लाइफ में थोड़ा सा ऐड ऑन फीचर करे और आपकी लाइफ को थोड़ा सा आसान बना दे। जो यहाँ पे देखा मैनेज प्रोफाइल पे है, इसमें सिंपली क्या है कि आप अपने प्रोफाइल को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपने डीपी को चेंज कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार डीपी चेंज कर सकते हैं, आपके एज ग्रुप क्या है, लैंग्वेज कौन सा है, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, आप हिंदी जानते हैं हिंदी लिखिए, इंग्लिश जानते हैं इंग्लिश, यानी जो टीवी के फीचर्स हैं आप बेसिकली समझिए कि आप अपने फ़ोन के उस फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं जब चाहे तब, आप लाइव कनेक्टेड हैं डिवाइस से इस एप्लीकेशन की मदद से 24 आवर। नोटिफिकेशन आते रहते हैं, रिचार्ज के या कोई नया पैक ऐड हुआ तो उसके नोटिफिकेशन आते हैं। अगर इसको डिलीट करें सिंपली डॉट पे, पेन वाले डॉट पे क्लिक कीजिएगा और सिंपली मार्क करके और डिलीट कर दीजिए, सिंपल बहुत आसान है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हेल्थ सेंटर पे भी जाके, कॉन्टैक्ट में जाके आप डिफरेंट अपने जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। अगर कस्टमर केयर का नंबर आपको नहीं मालूम है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं टाटा स्काई का नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि वहाँ से भी आप सुविधा ले सकते हैं। तो टाटा स्काई से रिगार्डिंग अगर इस आपकी आज के प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक करते तो हमें सपोर्ट मिलता है, थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छा लगता है। आप इसी तरह प्यार देते हैं, आप रेफ़र कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, आप एक एक करके जाइए, खुद से चेक कीजिए तो आप ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो हम तो हैं ही आपको बताने के लिए, ठीक है। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चैनल पे नए हैं प्लीज़ जाके फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम बिना हिचकिचाहट के आप हमसे सवाल कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी करना है पसंद आ रहा जाइए लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच आपका।